देख रहे सारे दर्शकों को इंद्रजीत सिंह बख्शीलो प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण नज़र मारदे आं पंजाब दीआं 10 वड्डीआं खबरां ते। लोक सेवा पार्टी के प्रधान अते लुधियाना के हलका आत्मनगर तो विधायक सिमरनजीत सिंह बैंस ने सिद्धू के पक्ष में वड्डा बयान दिता है। उन्हें कहा कि कांग्रेस आला कमान कैप्टन की थां उत्ते सिद्धू नूं मुख्यमंत्री लाउण बारे विचार कर रही है। बैंस ने कांग्रेस अंदर धड़ेबंदी होने की गल करदिआं हाईकमान वल्लों सिद्धू नूं सूबे की कमान सौंपण की गल कही। तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा के बयान से बैंस ने कहा कि कांग्रेस दो गुटां विच वंड चुकी है। चुफेरे विरोध तो बाद पंजाब सरकार वालों मुड़ संत बलबीर सिंह सीचेवाल को पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का मैंबर नियुक्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों हुक्म जारी करके सीचेवाल को तुरंत प्रभाव नाल PPCB का मैंबर थापा गया। तुहानू दस दिए कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वालों पंजाब सरकार को 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के बाद सीचेवाल के अहुदे तो छुट्टी कर दी गई थी, जिसका विरोधियों वालों ही नहीं सगों आम जनता वालों भी विरोध किया जा रहा है। इस विरोध तो बाद पंजाब सरकार ने यूटर्न लेंदे हुए मुड़ संत सीचेवाल को पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का मैंबर नियुक्त कर दिया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चंडीगढ़ एग्रीकल्चर एंड फूड फेयर का उद्घाटन करने सैक्टर 17 पुजे। एग्रोटैक पुजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत शुरू से ही खेती प्रधान देश रहा है, अज भी भारत की अद्धी तो ज़्यादा जनता खेती उत्ते निर्भर करती है। सबका कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने अज जलंधर च दुआबे के अकाली दल के आगुओं नाल एक विशेष मीटिंग की, जिस उन्होंने 5 दिसंबर को अकाली दल वालों जलंधर की भोगपुर शुगर मिल के सामने धरना देने का फैसला किया। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर बड़ा बयान दिता है। सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने कैप्टन मनण तो भी इनकार कर दिता। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू वालों मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह नूं अपना कैप्टन ना मने जाण उत्ते दिते बयान ते उन्हां कहा कि जेकर सिद्धू मुख्यमंत्री नूं अपना कैप्टन नहीं मनदे तां उन्हां नूं नैतिकता दे आधार उत्ते कैबिनेट मंत्री दे अहुदे तों अस्तीफा दे देना चाहिए। बाजवा ने इत्थों तक कह दिता कि सिद्धू नूं उत्थे चले जाना चाहिए जिथे राहुल गांधी उन्हां दी ड्यूटी लगाउंदे ने। पंजाब दे साबका विधायक हरबंस सिंह जलाल ने सुखबीर सिंह बादल अते सिकंदर सिंह मलूका तो अपनी जान का खतरा दस्सिया। उन्हां कहा कि उन्हां नूं सुरक्षा दित्ती जानी चाहिए है। हरबंस सिंह जलाल ने कहा कि जेकर SIT वालों उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं की जाती तो उन्हां नूं मजबूर हो के हाईकोर्ट का सहारा लेना पवेगा। उन्हां कहा कि उन्हां नूं बेअदबी मामलों उत्ते बने रणजीत कमीशन उत्ते बिल्कुल भी भरोसा नहीं सी। उन्हें कहा कि जेकर उन्होंने सुरक्षा दी गई तो वह होर भी सबूत दे सकते हैं। अपने बयान करके हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू वालों राहुल गांधी को अपना कैप्टन दसण के बयान तो बाद पंजाब सियासत पकी हुई है। हुण आम आदमी पार्टी के बागी धड़े के नेता सुखपाल खहरा ने कांग्रेस में आने वाले दिनों में कमसान वधण की गल करते हुए नवजोत सिद्धू को अपनी पार्टी में शामिल होने का खुला सद्दा दिता है। विधानसभा हलका मोड़ मंडी विखे पुजे सुखपाल खहरा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के करतारपुर लांघे के कारज ने उन्होंने कद वड्डा कर दिता है, जिस करके कांग्रेसी उस नाल वितकरा कर रहे हैं। कांग्रेस वालों चोण मैनीफेस्टो च घर घर रोजगार देने दे वादे की पोल खोलने लिए आप पार्टी ने भी बेरोजगारी कैंपां की शुरुआत की है। फरीदकोट विखे आप आगू गुरदित सिंह सेखो की अगवाई से बेरोजगारी कैंप लगा के सरकार दीआं माड़ियां नीतियां की निंदा की। उत्थे ही सरकार वालों घर घर नौकरी देने दे दावियां की फूक कढ़ी जा रही है। आप वालों लगाए गए बेरोजगारी कैंप च आप आगू मनिंदर कौर ने आख्या कि सरकार ने वोटां लई वड्डे वड्डे वादे किए जिन्हां चों एक भी पूरा नहीं किया। पिछले कई दिनों तो पटियाला चलता आ रहा अध्यापकों का धरना आखिरकार समाप्त हो गया। अध्यापकों ने सिक्ख्या मंत्री OP सोनी के भरोसे तो बाद धरना खत्म कर दिता। इस अध्यापकों ने एतवार को की जाने वाली रोस रैली भी रद्द कर दी है। सिक्ख्या मंत्री OP सोनी पटियाला विखे अध्यापकों नाल मुलाकात करन पहुंचे हुए सन। अध्यापकों नाल गलबात तो बाद सिक्ख्या मंत्री ने पिछले महीने किए तबादले अते सस्पेंशन रद्द करन दा ऐलान कर दिता। नाल ही अध्यापकों की 3 तरीक नूं सिक्ख्या मंत्री अते 15 तरीक तो पहला मुख मंत्री नाल बैठक भी निश्चित की है, जिस तों बाद अध्यापकों ने अपना धरना समाप्त कर दिता। पंजाब विच नशे का दरिया हुण भी पूरी तरह वह रहा, जिसके कारण लगातार नौजवानों दीआं मौतां हो रहीआं ने। फिरोजपुर के नज़दीक पिंड शेरखा विच भी एक होर नौजवान नशे की पेट चढ़ गया। मृतक की पहचान 35 साल नौजवान सुचा उर्फ साधु वजो हुई है। पिंड विच जदों इस खबर का पता चलिया तो पूरे परिवार समेत पिंड विच मातम का माहौल छा गया। सोगमई माहौल च लोगों ने सरकार को सख्ती नाल नशे उत्ते काबू पाने की दुहाई दी है। यह सन पंजाब दीआं 10 वड्डीआं खबरां। नवी अपडेट लैके मैं फिर वापस आवांगा। तदले तुसीं वेखदे रहो चैनल Y।